नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट है मशीन ड्राइंग या मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपको डिटेल्स असेंबली और असेंबली टू डिटेल्स करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन का प्रॉब्लम होता है कि ये पार्ट्स असेंबल कैसे होते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्राई किया है, यहाँ पे 3D मॉडल्स बनाए हैं और उसको असेंबल कर कैसे करते हैं वो दिखाया है। इससे क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। और मेन बात यह है कि इंडस्ट्री में भी आपको यही सब्जेक्ट मैक्सिमम यूज होता है। अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो या क्वालिटी में जाते हो तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो बेसिकली क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट का ये फ्रंट व्यू है, इसका ये पोस्ट का टॉप व्यू है। फिर सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक का सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये ब्लॉक का टॉप व्यू है, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। रिंग के बाद ये वेज है और वेज के बाद यहाँ पे आपका ये स्क्रू है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। आप 2D में तो इसका ऑलरेडी वीडियो है, वो देख के आप देख समझ जाओगे कि उसको ड्रॉ कैसे करना है। लेकिन 3D में उसको असेंबल कैसे करना है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असेंबली उसका किया है। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, वापस एक नया असेंबली लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू ड्रॉइंग इसको सेव कर लेता हूं। पोस्ट वन सेव। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरे इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है, मेरा ये पोस्ट है। तो मैं इसको पोस्ट को ले लेता हूं यहाँ पे। इसको पोजीशन कहाँ पे आपको फिक्स करना है वो कर लेता हूं। फिर बाद में मेरा सेकंड पार्ट क्या है, इसमें सेकंड पार्ट मेरा ब्लॉक है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया है। ब्लॉक रखने के बाद वो बराबर मेरे यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, उसको ऊपर ले लेता हूँ और इसका जो 3D है उसको आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये डायमेंशन कितना है, 72 है। और आपका अगर ये ब्लॉक इसका डायमेंशन देखोगे ये कितना है, 74 है। ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेके ये डायमेंशन जो है आपका, देख सकते हो यहाँ पे ये कितना है, 60 है। और सेम आपका ये जो ये डायमेंशन है ये कितना है, ये भी यहाँ पे 60 डायमेंशन है आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल है कि ये जो 74 है यहाँ पे ऐसे आने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये लाइन परफेक्टली यहाँ पे मैच होने वाली है। तो ये कैसे आएगा, परफेक्टली ऐसा यहाँ पे बैठने वाला है, मतलब ये जो लाइन है आपका तो ये लाइन रहेगा, ऐसा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, असेंबल जॉइंट, और इसको रेफरेंस दे देता हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या जॉइंट करना है। इसका रेफरेंस क्या कर लेता हूँ मैं, इसका ये जो ये टॉप पोर्शन है इसको दे देता हूँ। वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। एक आपको याद रखना है कि ये जो डायमेंशन ये जो है ये ऊपर से आपको ऐसे ऊपर से नीचे लाना है इसको, ठीक है। आप नीचे से उसको असेंबल नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको। तो फिर एक तो ब्लॉक असेंबल हो गया, फिर सेकंड पार्ट कौन सा है आपका, ब्लॉक के बाद आपको क्या करना है, रिंग असेंबल करना है। तो रिंग का भी देख सकते हो आप, रिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, हॉलो है यहाँ पे। हैचिंग कितनी, इतनी हैचिंग है यहाँ पे, मतलब ये जो अंदर का पार्ट है इतना, ये क्या है आपका, हॉलो है। ये इसका डायमेंशन कितना है, 60 है, टॉप व्यू में दिया है। और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन कितना है, 120 डायमेंशन। तो अभी इसको असेंबल करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया, ओके कर दो इसको। बाद में मुझे रिंग असेंबल करना है, रिंग असेंबल, रिंग यहाँ पे आ गई है। तो मैं रिंग को ऊपर ले लेता हूँ और इसको देखो। अभी रिंग असेंबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, असेंबल जॉइंट, ये इसका रेफरेंस दे दो, ये रेफरेंस, और ये जो सरफेस है इसका रेफरेंस दे दो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर ये जो रिंग है एग्जैक्ट कहाँ पे फिट करनी है, यहाँ पे फिट करनी है, यहाँ पे फिट करनी है, कहाँ पे फिट करनी है। अभी देखो कैसे रहेगा, जितना आपका टूल का डायमेंशन रहेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, ये रिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अभी देखो
मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंसिडर करो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका टूल आएगा, आपको क्या करना है इसको टूल यहाँ पे फिट करना है। तो मैंने एक विदाउट डायमेंशन क्या किया है, कटिंग टूल यहाँ पे बनाया है, उसको कटिंग टूल को मैं क्या कर लेता हूँ उसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये जो टूल है ये उसको मुझे असेंबल करना है, तो मुझे क्या करता हूँ ज्वाइन ये फेस ले लेता हूँ और इसका जो फेस है यहाँ का ये फेस ले लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, टूल असेंबल कर दिया है। ये टूल का सामने का जो है ये कटिंग एज है। अभी ये टूल यहाँ पे फिट होने के बाद मुझे क्या करना है, उसको टूल को फिट करना है। टूल को फिट करना है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्क्रू डालना पड़ेगा। तो स्क्रू डालने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू ले लेता हूँ, स्क्रू आ गया यहाँ पे। स्क्रू आ गया यहाँ पे। अभी स्क्रू को असेंबल करने के लिए मैं असेंबल ज्वाइन इसका ये फेस ले लेता हूँ और इसके अंदर भी यहाँ पे थ्रेडिंग है, आपका जो पोर्शन है यहाँ पे इसको भी अंदर थ्रेडिंग है वो पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो अभी अंदर यहाँ पे चला गया है, आपके हिसाब से आपको उसको क्या करना है, ड्रैग करना है और उसको ओके बोल दो। अभी कैसा है कि ये जो स्क्रू है आपका इसको क्या करना है, जहां तक आपका टूल है मतलब टूल के फेस तक आपको टूल को टाइट करना है, इसलिए उसको ऊपर से आपको ये इतने तक रोटेट करना है उसको कि आपका क्या होना चाहिए, वो आपका जॉब मतलब टूल फिट हो जाना चाहिए वहां पे। यहाँ पे देखो आप ऐसे आपकी क्या हो गई, असेंबली कंप्लीट हो गई। तो होप इसको आप अगर थोड़ा रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक जाके आपका टूल परमानेंटली मतलब जब मशीनिंग करोगे आप तो वो हिलेगा नहीं। ऐसा ये टूल पोस्ट का असेंबली था। अभी इसको आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है तो इसके लिए भी क्या कर सकते हो आप, देखो सेक्शन एनालिसिस है यहाँ पे, सेक्शन एनालिसिस को क्या करना है, सेक्शन सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे मैंने इसको सेक्शन कर लिया। अभी यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देखो ऐसा ये आपका जब आप बनाते हो तो ये ऐसे दिखता है, ऐसा ही यहाँ पे बनेगा सेम। अभी इसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अभी कैसा हुआ, टूल मेरा आपके रिंग के अंदर चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके बहुत मुझे लगता है कि आपके आइडियाज बहुत सारे क्लियर होंगे। सेम अगर आप इसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ड्राइंग में जाइए यहाँ पे फ्रॉम डिजाइन, यहाँ पे ओके बोल दो। ओके बोलने के बाद देख सकते हो अभी ये क्या होगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप एक्चुअल में ड्रॉ करते हो वैसे वो हो जाएगा यहाँ पे। मैं मेरे मोबाइल के नेट से ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए क्या कि यहाँ पे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से इशू आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने ये क्या कर लिया, यहाँ पे उसको वायर फ्रेम बोल देता हूँ, प्रोजेक्टेड भी इसको यहाँ से इसका ये टॉप भी जैसे इसका ये साइड भी और यहाँ पे इसका आइसोमेट्रिक भी यहाँ पे बन जाएगा, आप देख सकते हो। देखो आप ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करते हो एग्जाम में कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।